मेरा बच्चा कैसा है तू? देखो पुच्चू कितना प्यार कर रही है हिना को। कैसा है मेरा बेटा? हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, कल मैं हिना से मिलके आई हूँ तो तबीयत तो अच्छी होनी थी मेरी। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग हम चाय से शुरू कर रहे हैं। चाय मेरी बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बाद जो भी होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी चाय यहाँ बन रही है। चाय में मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो बस चाय बनने वाली, चाय पीते हैं उसके बाद मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद लंच की तैयारी। मैं बनाने लगी थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, तो जैसे ही मैंने शिमला मिर्च उठाई तो देखा आलू नहीं थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गई कि अब आलू कैसे मंगाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन मंगाओ तो खाली एक चीज़ नहीं आती, उसमें कम से कम 200 रुपये का मंगाना पड़ता है सामान। तो फिर मैंने गैलरी से देखा तो वो सब्जी वाले भैया हैं कि नहीं, क्योंकि जो एक से चार हमारे घर के पास रहते हैं। तो अभी अभी मैंने देखा वो बैठे हुए थे तो मेरी जान में जान आ गई, तो मैं नीचे आई हूँ आलू लेने के लिए। तो कितना सुख हो गया मुझे, ये गाय बहुत भूखी थी तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा कुछ खिला देते। नीचे सब्जी ली तो मैंने उसे घिया लिया भैया से, मैं कहा घिया दे दो तो गाय को देना है। यहाँ पे गाय बहुत घूमती हैं और सारी भूखी होती हैं, जो डेयरी वाले हैं इनका दूध निकाल के इनको छोड़ देते हैं और बेचारी ऐसे ही घूमती रहती है, रोती रहती हैं मोस्टली। देखो मैं लेने आई हूँ आलू, आलू अकेले तो लूंगी नहीं, एक और कुछ ना कुछ जरूर लूंगी। देखो भैया मेरे लिए आलू छाट रहे हैं। देखो हमने खीरा भी लिया 1 किलो और 2 किलो आलू। आज हम बना रहे हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये देखो मैंने शिमला मिर्च और आलू यहाँ काट के रखे हुए हैं और यहाँ हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखो मैंने प्याज भूनने के लिए रख दिए हैं कढ़ाई में, तो इसके बाद डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। हल्का लाल होने देते हैं इनको, जब ये भुन जाएंगे तो फिर टमाटर, ये देखिए 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें। प्याज हमारी भुन गए थे तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और ऐसे हिला लो 2-3 बार, और उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी नमक मिर्च। ये देखिए मैंने इसमें हल्दी नमक और मिर्च डाल दी है, अब इसको हिला लेंगे थोड़ा पकने के लिए, मसाले को रख देंगे। मसाला हमारा पक गया था तो मैंने इसमें आलू शिमला मिर्च भी डाल दी है, अब इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक कर हम पकाएंगे। ये देखिए आलू शिमला मिर्च डाल के मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, अब इसको भूनने देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इसे, तो ढक्कन लगा देंगे तो गल भी जाएगी और भून भी जाएगी, दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। तो इसको ढक्कन लगा देते हैं। जब तक हमारी सब्जी बनती है मैंने इसको ढक दिया है, लेकिन बीच बीच में मैं हिलाती रहूंगी सब्जी को। तो जब तक हमारी सब्जी बनती है मैं सोचूंगी अपना रूम साफ कर लूं, क्योंकि मेरे रूम में डॉग रहते हैं, तो काम वाली को मैंने मना कर रखा है कि मेरे रूम की सफाई नहीं करनी, क्योंकि डॉग होते हैं तो उसको भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं रूम की सफाई अपने रूम की तो मैं खुद करती हूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक सब्जी बनती है मैं रूम साफ कर लेती हूँ। कल रात को हम हिना के घर गए तो मेरा मन था कि मैं हिना को साथ ही लेके आऊँ रहने के लिए, तो कल ठंड भी बहुत थी और दूसरा फिर लेट हो गए थे हम लोग, तो फिर मैंने रात को हिना को नहीं कहा आने के लिए। आज मैं कॉल करूँगी हिना को कि 2 दिन के लिए रहने के लिए आ जा, 2-3 दिन के लिए, तो क्योंकि 31 तारीख को हमारे दीदी के लड़की है सोनिया, उनके घर में जागरण है, तो 31 को हमने जाना है, तो हिना को भी इन्वाइट है, मैं भी हूँ तो बच्चे भी जाएंगे सारे, तो फिर 31 को वहाँ जाएंगे तो 1 तारीख को नया साल है, तो नया साल अपने घर में मनाए तो अच्छा ही है। तो वही मैं कह रही हूँ आज 28 तारीख हो गई, 29 और 30 2 दिन रहने के लिए आ जाए भाई के साथ, तो आज मैं कॉल करूँगी हिना को, हिना आ जा 2 दिन के लिए। तो बस वही सोच रही हूँ अभी नानू आ जाए तो नानू बात कर लेगा हिना से कि आज रात को यहीं आ जा, 29 और 30 2 दिन रह जाएगी, 31 को फिर हमने जागरण पे इकट्ठे जाना है, फिर इसको जाना पड़ेगा घर, और 1 तारीख को नया साल मैं चाहती हूँ वो भी अपने घर में मनाए खुशी खुशी। तो बाकी 2 या 3 को उसका भाई चला जाएगा वापस, तो बस मैं यही सोच रही हूँ हिना को कॉल करूँ और उसे बुलाऊँ घर पे। मैं हो गई हूँ रेडी, तो बस मैंने पहले कमरा साफ किया, फिर मैंने बच्चों को खाना दिया डॉग को,
अब मैं डॉग को खाना दिया, तो उसके बाद मैं कहा चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तो अभी मैं फ्रेश हुई हूँ। तो बस अब अपने लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बच्चे नीचे गए हुए, तो बच्चे मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं कहा आ जाए तो एक ही बार खाना बनाऊँ, सब्जी बनी हुई है तो वो आएंगे तो रोटी तब बना लूँगी। तो बस मैं उनका ही वेट कर रही हूँ कि बच्चे आ जाएँ तो फिर मैं रोटी बनाऊँ। तो बस बैठी हूँ, मैं कमरे में आई हूँ, तो मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं ये सीरियल देख लेती हूँ। ये सीरियल अनुपमा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अनुपमा सीरियल। मैंने आपको बताया था मैं दो ही सीरियल देखती हूँ, एक अनुपमा और एक ये है चाहते। तो अनुपमा सीरियल आ रहा था, मैंने कहा चलो मैं जब तक बच्चे आते हैं मैं ये देख लेती हूँ। समझ सब इसे समझ सब कुछ आता है, लेकिन ये अब ना कुछ डीट बन गई है, कहना नहीं मानती बिल्कुल भी। पूछा ने इतना दुखी कर रखा है मुझे। एक तो ना ये पूछा पुती क्या करते हैं कमरे में जो चीज़ रखी है, जैसे ये अब ये रखा है बर्तन कपड़े वाला, इसके ऊपर शुशु कर देंगी, बाहर कुछ भी दिखेंगे उसके ऊपर शुशु कर देंगी। चलो शुशु तो कोई बात नहीं, वो मैं साफ कर लेती हूँ। आजकल ये पीछे से जाके ये पुच्चू, खास तौर से पुती नहीं पुच्चू, पीछे से गैलरी में से लड़के के कमरे का दरवाजा खोल देती है, वो ठंड ज्यादा है। कल भी इसने ऐसे किया तो दरवाजा मैं यहाँ से बंद करती हूँ, तो ये क्या करती है उधर से घूम के गैलरी से घूम के उसके कमरे का शीशा खोल देती है, और शीशे के पास जाली लगी हुई है, तो शीशा खुल गया तो जाली में से हवा आएगी आएगी। इसको कितनी बार समझा चुके पर इसकी समझ में आ नहीं रहा, ये बार बार बहुत परेशान कर रही है। इसके ना नाखून बड़े हो चुके हैं, ये देखो इसके नाखून, ये नाखूनों से शीशा खोल लेती है। अब मैं सोच रही हूँ इसके नाखून ही कटवा दूं, तभी जाके कोई समस्या का हल होगा। मैंने बताया था ना कि आपको कि कल हम मीना के घर गए थे और मीना को कहना भूल गई, और दूसरा ठंड भी थी, और तीसरा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, मैंने हीना को नहीं बोला। तो अभी मेरे बेटा आया तो मैंने उससे कहा नानू कल हीना को हम कहना भूल गए कि घर आने के लिए। मैंने तो ये सोचा था कि हम रात को लेके आएंगे, पर टाइम ज्यादा था तो मैंने नहीं कह पाई। तो कहते मम्मी मैं अभी फोन कर देता हूँ, तो इसने उसी टाइम ही फोन कर दिया हीना को कि ना क्या बात है तूने रहने नहीं आना, दो तीन दिन के लिए रहने के लिए आ जा। तो हीना कह लेंगे अभी हीना कह लेंगे मैं घर से बात करके ना मतलब फिर बताती हूँ आपको। तो उसने मम्मी से या मनीष से बात की होगी, तो अभी फोन आया कि मम्मी मैं 7 बजे तक आ रही हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा। तो हिना आज घर आ रही है 2-3 दिन रहने के लिए, तो शाम को मिलते हैं हिना से भी। ये देखिए मेरी हिना आ गई, मैंने कहा था ना रहने के लिए, मैंने कहा था ना हिना आएगी 7 बजे, पर ये 8 बजे आई है। कोई बात नहीं आ गई है, इतना भी मेरे लिए बहुत है। देखो कितने दिन के लिए छुट्टी लेके आई है, 2-3 दिन। अच्छा कोई नहीं, मेरे लिए 2-3 दिन भी काफी है, तो आ गई इतना मेरे लिए बहुत है। भाई पूछ रहा था, मैंने कहा मैंने तो रात को कहा नहीं, कह रहे मैंने बोला था। अच्छा, हाँ, उसी टाइम ही फोन मिला दिया, उसी टाइम ही। हाँ, कह रहे मैं पूछता हूँ भी आ रही है। हाँ, आज आ जाए। तो ये देखो हिना आई है आज, जींस टॉप पहना आज इसने, ये देखो जैकेट भी। शादी, हाँ शादी के बाद ये ज्यादातर मैंने इसको सूट और साड़ी में देखा है, आज मैंने इसको बहुत दिन बाद जीन्स में और इसमें देखा है। कह रही गर्मी लग रही है, जैकेट आते उतार रही है इसने। जैकेट थोड़ी ना हैवी हैवी भी लगती है, और चूड़े से ना इसे आगे जाती है। हाँ, तो चूड़ा सूटता है इसीलिए। और सब ठीक है घर में, सब ठीक है एकदम बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तेरे घर गए ना तो रात को दीपू ने इतना खाना खिला दिया हमें पेट भर के, मानेगी तुमने। रात को भी मैं घर आने के बाद में मैं ना मुझे नींद तो आ गई थी, लेकिन सुबह पेट दुख रहा था, मतलब इतना खा लिया था रात को हमने, पेट एकदम फुल। अच्छा ना, थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारा खा लिया था हमने, खाना अच्छा बना था ना, चिकन वगैरह अच्छा बनाया रखा था हमने। हाँ तुम लोगों ने तो खाया ही नहीं, मैं तुम्हें बोल भी रही थी ये खा लो खा लो। अच्छा नानू घर आके मैं मुझे कह रहा था, कह रहा तू तो आराम से ऐसे बैठ रही थी जैसे तुझे आना ही नहीं है, तेरा दिल लग गया वहाँ पे बातें करते। हाँ मैं बच्चे बातें कर रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा। क्या कह रही थी नान तेरी, क्या कह रही थी, रो रही थी, क्या कह रही थी, मुझे दुख हो रहा है। तो ले आती साथ में, क्या चल तू भी चल साथ, कोई बात नहीं। दीपू प्यार आदत हो जाती है ना, मुझे भी हैबिट हो गई है वहाँ पे। हाँ
तो अब यहाँ से जाऊंगी तो वहां लगेगा, वहां से आऊंगी तो हाँ ये तो है ही, चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। अब रात को आदत है हम लोग बैठ के बिग बॉस देखते हैं, खाना खाते हैं इकट्ठे, हाँ इकट्ठे, फिर खाने के बाद चाय पीते हैं, वो हमारा एक रूटीन रूटीन बन गया। हाँ वो तो होता ही है, अब यहाँ आएगी तो अलग मिलेगा, वहां जाएगी तो अलग मिलेगा, ये तो चलता ही रहता है। यहाँ से जाऊंगी तो एक दिन वहाँ अजीब लगेगा, वहाँ हाँ तो एक दिन यहाँ अजीब लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ रौनक है, हाँ, मतलब लोग हैं। हाँ ये चीज से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ हमारे वहाँ शांति, हमारे घर में ज्यादा शांति है, तो सब वहाँ तुझे नहीं लगेगा, ये चलता रहता है, बच्चे रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगा था, कल ऐसे में बैठी हुई थी ना तो मुझे नाम दिया था, क्या बात है चलना नहीं है, मेरे को चलना है, मुझे लग रही रात की सलाह है, टाइम नहीं पता लगता जब साथ होना सब, सच्ची में दिल नहीं कर रहा था, अच्छा लग रहा था बातें वगैरह करते हुए मनीष से, दीपू शंकर से बैठ के बातें कर रहे थे, पता नहीं चला टाइम, तो पता भी नहीं चला, रात को हम जब आए ना 1 बजी हुई थी, उनका 1 बज गए, एक बजे आप लोग गए हो, हमें घर समेटते 3 बज गए थे, अच्छा बच्चे कर रहे थे 3 बज गए थे हमें, 3 बजे तो सब रूम में गए हैं, उसके बाद फिर सब अपने रूम में सोए, टाइम तो पता ही नहीं चलता, लेकिन अच्छा लगा फैमिली, वैसे ना ये ऐसे छोटा सा गेट टुगेदर करते ही रहना चाहिए, कभी तुम लोग यहाँ आ जाओ, कभी हम लोग वहाँ आ जाए, अब तुम लोग मम्मी वगैरह सबको लेके आई हूँ यहाँ पे हमारे घर, कर आराम से आएंगे, जाने से पहले ही और बाद में जैसे अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, देखो पुच्चू कितना प्यार कर रही है हीना को, कैसे है मेरा बेटा, जब से हीना आई है ना हमने इसको खोला नहीं था, अभी खोला है तो देखो कैसे प्यार कर रही, लाड कर रही, अच्छा है, ठीक है ठीक है, तू पुच्ची कांप रही है, कांप क्यों मेरे बच्चे को, क्यों मेरे छोना मेरा पपीता काट रही हूँ, तो हंसोगी, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए, सबको फ्रूट खिलानी है, और क्या खाओ, खाने की चीज खाई नहीं जाएगी, अमरूद भी लाई थी मैं कल, केले भी लाई थी, तो सही कह रही, केले 3 डब्बे पड़े हैं, वो रखने से हो गएगा, उसको साफ थे, मैंने उल्टा इसको उल्टा करके रख देते हैं ना वो, तो प्रेशर नहीं हुआ है ना, वो नरम हो गया, वो नानो उसमें कर लेगा, मैं शेक में कर, नानो को कहूंगी पर ये यूज कर ले, देखो मेरी गुड़िया आ गई घर पे, चाय पी लो फ्रेंड्स, आज भी इसने चाय बनाई है, तो कहती मैं अपने हाथ की बनाऊंगी, तो इसने देखो चाय पर है, ये पी रही है, मैं अपने हाथ की बना के एक बार पिला चुकी हूँ, तो अभी कह रही मुझे अपने हाथ की पीने में कपी ले, देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर में फिर रौनक हो गई है, इना के आने से लड़कियां घर आती हैं तो माँ को खुशी होती ही है, मुझे बहुत खुशी होती है इना आई है, मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि इना आ गई है मेरे पास 2 दिन रहने के लिए, सच्ची में मुझे विश्वास नहीं आ रहा, तो पास पास ही तो है, हाँ नहीं कल रात को हम तेरे को मिल के आए ना, तो सुबह तो आई है, जैसे अभी मुझे कई बार इतना चूड़ा देख के बिलीव नहीं होता कि शादी हो गई है, हाँ हो जाता है कई बार, पापा को देखो गुस्से में बैठे, गुस्से में नहीं है, क्या बनाया, आलू शिमला मिर्च और राजमा चावल रोटी सलाद केटा, चलो अब आप भी खा लो, हाँ मैं डाल दूँ, देखो मेरी गुड़िया आई है, आज आपको मैंने कहा था ना अभी बस डिनर करने लगे हैं, लेट हो गए, कितने दिन कितना टाइम हो रहा है ना, बज गए होंगे 11 बजे, हाँ जी मोहनलाल जी खाना कैसे बना है, बढ़िया बना, अच्छा बना, इन्हें तो को अच्छा लगा खाना बेटा, डिनर हमारा हो चुका है, तो बस अब सोने की तैयारी है, मैं आज सोऊंगी तो नहीं, आज पहले हीना से काफी सारी मैंने बातें भी करनी है, आज हीना के कमरे में रहूंगी मैं, तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, कल मिलती न्यू ब्लॉग के साथ,
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।